दोस्तों सबसे पहले हमारे एस्ट्रो आर्टिस्ट HP चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूले ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तीसरा नेत्र या तीसरी आंख के बारे में जानना आज भी उतना ही रोचक है जितना हम इसे समझते जा रहे हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि तीसरे नेत्र के जागरण का वास्तविक महत्व क्या है, तीसरी आंख कैसे जागृत की जाती है और सबसे बड़ी बात छठी इंद्री क्या है, आज्ञा चक्र जागरण क्या है और कैसे किया जाता है। ये सभी चीज़ें जो हमारे आध्यात्मिक स्वरूप से जुड़ी है, ज़्यादातर लोग आज भी ये जानना चाहते हैं कि तीसरी आंख कैसे खोले। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि तीसरी आंख का विज्ञान की दुनिया में भी वजूद है और इसमें तीसरी आंख या यूं कहें कि छठी इंद्री को पिनियल ग्लैंड कहते हैं। वैज्ञानिक आज भी तीसरे नेत्र के जागरण पर रिसर्च कर इंसान की वास्तविक क्षमता का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हम अलग अलग जगह इससे जुड़ी अलग अलग जानकारियां पढ़ सकते हैं। सिक्स्थ सेंस यानी छठी इंद्री को समझना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि ये हर इंसान की क्षमता के अनुसार विकसित होती है, जिसे बाद में अभ्यास द्वारा बढ़ाया भी जा सकता है। विजन यानी काल की घटनाओं की झलकियां देखना, यहाँ काल का मतलब तीनों काल है और झलकियां प्रदर्शित करती है ऐसी घटना की ओर जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है। हम जो भी देखते हैं या महसूस करते हैं उसमें हमारा कोई अभ्यास नहीं होता है, बस कुछ पल के लिए हम घटनाओं को महसूस करते हैं और भूल जाते हैं। कुछ लोग इन्हें याद करने के लिए कई तरीके भी आजमाते हैं, जिनमें से एक है डायरी लिखना। इसलिए अगर इसे एक जटिल प्रक्रिया कहें तो गलत नहीं होगा। तीसरी आंख और इसके अलग अलग मतलब। आपने सबसे पहले तीसरे नेत्र यानी थर्ड आई के बारे में कब सुना? शायद बचपन में जब आपने धार्मिक सीरियल देखे तब। लगभग हर किसी ने यहीं से इसके बारे में सुना है और उसके मन में एक उत्सुकता बनी थी कि काश मैं भी तीसरे नेत्र को जागृत कर सकता। अलग अलग जगह तीसरे नेत्र को खोलने की प्रक्रिया है, जिनमें से प्रसिद्ध है तिब्बत की क्रिया। इसमें चीरा लगाकर तीसरे नेत्र को जागृत किया जाता है, जो कि एक उच्च स्तर की प्रक्रिया है। इसके अलावा ध्यान में भी तीसरे नेत्र के जागरण की कई विधियों का जिक्र है। तीसरी आंख पर ध्यान करना प्याज की परत को उधेड़ना है। जिस तरह प्याज में परतें होती है, वैसे ही हमारे आज्ञा चक्र के चारों ओर परत का जाल है जो हमारे विचारों द्वारा पैदा किया गया होता है। ध्यान द्वारा एक एक कर इन परतों को खोला जाता है और अंत में शून्यता के साथ हम अनंत ब्रह्मांड में किसी भी तरंग को पकड़ने में सक्षम हो जाते हैं। आज्ञा चक्र का मुख्य कार्य ही विचरण करती तरंगों को पकड़ना है। तीसरी आंख से जुड़े कुछ रोचक फैक्ट। तीसरी आंख से जुड़ी कुछ बेसिक बातें जो आपको इसके बारे में और ज़्यादा स्पष्ट करेगी। जानिए ऐसे ही कुछ बेसिक बातों को। एक, स्थिति। माथे के आगे की ओर दोनों भौहों यानी आईब्रो के मध्य। दो, रंग। इंडिगो, लाल और नीले रंग का मिश्रण। तीन, ध्वनि। ओम का जाप, जिसमें ओ सूर्य तत्व है और म चंद्र तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। चार, तत्व। विद्युत तरंगों का स्वरूप यानी टेलीपैथिक ऊर्जा। पांच, सेंस यानी एहसास, भाव द्वारा। तीसरी आंख कैसे काम करती है? जिस तरह हम खुली आंखों द्वारा देखते हैं, ठीक वैसे ही तीसरी आंख द्वारा होता है। तीसरी आंख को देखने के लिए जिस ऊर्जा की जरूरत पड़ती है वो उसे आंखें बंद करने पर मिलती है। यानी जब हमारी आंखें बंद होती हैं तभी हम तीसरी आंख द्वारा देखने की प्रक्रिया की शुरुआत कर सकते हैं। तीसरे नेत्र के जागरण की शुरुआत करिए ध्यान द्वारा, क्योंकि ये सबसे आसान और सरल है। तीसरे नेत्र के जागरण की सरलतम विधि। ध्यान में सांसों पर नियंत्रण कर तीसरे नेत्र के जागरण की सरलतम विधि का जिक्र है।
जिसे हम कई स्टेप्स में पूरा करते हैं। इस अभ्यास के सभी चरण अपने आप में पूर्ण भी है और अलग अलग अनुभव प्रदान करने वाले हैं। सबसे पहले तो ध्यान की अवस्था में आ जाएं, जिसमें आप सबसे ज़्यादा आरामदायी महसूस करते हैं। इसके बाद अपने शरीर, मन और भाव को शिथिल करने की प्रक्रिया शुरू करें। शरीर और मन को आरामदायक स्थिति में लाने के बाद पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ले आए। अगर ध्यान भटक जाए तो घबराए नहीं, फिर से अपना ध्यान सांसों पर एकाग्र करें। सांसों के आने जाने पर जो ध्वनि उत्पन्न होती है उससे सुनने की कोशिश करें। दूसरे चरण में आप अपनी आँखें बंद कर लें और अपना ध्यान अपनी दोनों आँखों के बीच आईब्रो के मध्य यानी नाक की सबसे ऊपरी तरफ जहाँ दोनों आँखों के बीच गहराई है वहाँ फोकस करें। कुछ समय बाद आपको एक चमकीला बिंदु दिखाई देगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप किसी गहराई में उतर रहे हो, लेकिन आपको अपना ध्यान उस सुरंग के बजाय चमकीले बिंदु पर रखना है। हो सकता है कि आपका ध्यान भटकने लगे और आपको बिंदु के अलावा कई चीजें दिखाई देने लगे। ऐसे में आप उन पर ध्यान न देने से आप उन्हें इग्नोर कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने अंगूठे को अपने आज्ञा चक्र की जगह छुपाकर रख सकते हैं। शुरुआत में इस क्षेत्र पर दबाव आपको एकाग्र रहने में मदद कर सकता है, जैसे त्राटक में हम खुली आंखों से करते हैं। इससे आपको एक फायदा और होगा कि आपके मन में आने वाले विचारों के कंपन हटने लगेंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस हो सकेंगे। तीसरा चरण, जब आप ऊपर के दोनों चरण पार कर लेते हैं तब आपको शून्य की अवस्था प्राप्त होती है। इस अवस्था में आपको अपने शरीर का भी भान नहीं होता है। जब आप शून्य की अवस्था में पहुंच जाते हैं तब आप शारीरिक बंधन से मुक्त हो जाते हैं और अपने आसपास की विचरण करती तरंगों को कैच करने लगते हैं। इससे आप काल की झलकियां देखने में कामयाब हो जाते हैं। तीसरे नेत्र जागरण की तीन अवस्था में हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारा मानसिक स्तर संतुलन की अवस्था में हो। कम या ज़्यादा की अवस्था में हम उदासीनता या फिर अहम जैसे भाव में भी फंस सकते हैं। तीसरे नेत्र के जागरण में सावधानियाँ, थर्ड आई के एक्टिवेशन को लेकर आपकी क्या उम्मीदें हो सकती है और आप क्या महसूस कर सकते हैं, इसे लेकर आपको सावधान रहना चाहिए। कई बार हम कुछ ऐसी झलकियों को महसूस करने लगते हैं जो हमारे लिए डरावना अनुभव बन सकती है। हिंदू धर्म में तीसरे नेत्र को हमारे आध्यात्मिक स्तर से जोड़ा जाता है। उनके अनुसार तीसरा नेत्र यानी आज्ञा चक्र हमें अंतर की यात्रा में सहायता करता है। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तीसरे नेत्र के जागरण के वक्त जरूरी नहीं कि हमें वही अनुभव हो जो हम चाहते हैं। जैसे कि आपके मन में इच्छा होती है कि आप खुद से जुड़ी कुछ काल की घटनाओं को महसूस करें, लेकिन जब आप उस अवस्था में पहुँचते हैं तब आपका तीसरा नेत्र ब्रह्मांड में विचरण करती अनचाही तरंगों को भी पकड़ सकता है। ज़्यादातर अनुभव में जब तीसरे नेत्र के जागरण में खुद से जुड़ी घटनाओं को देखने की बजाय दूसरों की घटनाओं को आसानी से देख पाते हैं। ये सही भी है और नहीं भी, निर्भर करता है आपका उद्देश्य क्या है, क्योंकि कुछ लोग इसे एक व्यवसाय के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए भी करते हैं। हर इंसान में थोड़ी बहुत कालांतर की घटनाओं की झलकियाँ देखने की शक्ति होती है, लेकिन ये तब संभव है जब हमारा मन भावुक हो। इस हालत में अनुभव जल्दी होते हैं। ज़्यादातर लोग तीसरे नेत्र के जागरण को समझने के बजाय इससे डरने लगते हैं, क्योंकि वो अपने अनुभव शेयर नहीं कर पाते हैं इस डर से कि उन्हें असामान्य न समझ ले या फिर उनका गलत फायदा न उठा ले। दोस्तों, ये कुदरत की वो देन है जिसे हर इंसान महसूस कर सकता है, पर जरूरत है तो कुछ पल के लिए ही सही मस्तिष्क को उस अवस्था में ले जाया जाए। दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।